नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। सियासत की बात पे मैं आपको बताऊंगा कि रूस यूक्रेन के मसले पर बातचीत के लिए क्यों तैयार हुआ और रूस ने इस बातचीत के संकेत पूरी दुनिया को कैसे दिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को अपने मन की बात एक अपनी बैठक के लाइव प्रसारण के दौरान बताई। जी हाँ, टीवी में उस बैठक का प्रसारण लाइव हुआ और ऐसे दुनिया को पता लगा कि पुतिन चाहते हैं कि बातचीत जारी रहे। पुतिन ने क्रेमलिन में अपने विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगो के साथ बातचीत की और उसका प्रसारण पूरे रूस में टीवी के जरिए किया गया। बैठक में कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया, बहुत सारी बातें हुई। फिर पुतिन ने विदेश मंत्री से पूछा कि क्या हमारी चिंताओं को लेकर किसी तरह के समझौते पर पहुंचने की संभावना है। इस पर उनके विदेश मंत्री ने जवाब दिया कि लंबे समय तक बातचीत करने से कोई फायदा नहीं है और समस्या का समाधान तुरंत निकाला जाना चाहिए। फिर लावरोव ने कहा कि शांति की संभावना तो हमेशा रहती है। फिर उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति पुतिन को पश्चिम यूरोप और अमेरिका से बातचीत जारी रखनी चाहिए, जिस पर पुतिन ने कहा बहुत बढ़िया और ये पूरी की पूरी बात दुनिया ने देखी। यानी उन्होंने अपने विदेश मंत्री की बात से सहमति जताई दुनिया के सामने। वहीं रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा कि बेलारूस में मिलिट्री ड्रिल खत्म होने वाली है, यानी कुछ हैवी वेपन्स को वापस किया जा सकता है। और बैठक खत्म होने के कुछ घंटे बाद रूस ने यूक्रेन से कुछ जगहों से हैवी वेपनरी वापस करना शुरू कर दिया। रूस के जानकारों का मानना है कि इस तरह की बैठकों का प्रसारण ऐसे नहीं किया जा सकता, ना किया जाता है। ये केवल संकेत देने के लिए किया गया। रूस ने संकेत दिए कि वो बातचीत का दरवाजा बंद नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन से भी अच्छे संकेत मिले हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि नेटो की सदस्यता यूक्रेन के हित में है। फिर उन्होंने कहा कि यूक्रेन को रूस की फौज ने घेर लिया है और अमेरिका उसकी रक्षा के लिए सैन्य मदद के लिए तैयार नहीं है, यानी फौज नहीं भेजेगा। और ये कहना और उसके बाद रुकना, और फिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ऐसे में इस राह पर चलना यूक्रेन के लिए मुश्किल है और नेटो की सदस्यता एक सपने की तरह दिखाई देती है। इस वार्ता के दौरान जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्स उनके साथ थे। यानी ज़ेलेंस्की कह रहे थे नेटो का सपना पूरा नहीं होगा, वो मॉस्को को बता रहे थे कि वो नेटो के मामले पे अब नरम पड़ गए हैं। वहीं स्कॉल्स ने भी साफ किया कि वो यूक्रेन के साथ हैं और अगर हमला हुआ तो रूस पर कड़े प्रतिबंध वो जरूर लगाएंगे। तो यानी दोनों ने, यूक्रेन और रूस ने एक दूसरे को संकेत दिए, एक ने बात का और दूसरे ने कहा कि भाई नेटो की तरफ नहीं जाएंगे। जर्मनी और फ्रांस बिना युद्ध के रूस के साथ यूक्रेन का मसला सुलझाना चाहते हैं, लेकिन वहीं रूस ने अपनी तैनाती में कोई कमी नहीं की है। हल्की फुल्की आर्टिलरी वापस हुई है। हम ये भी कहना चाहेंगे कि रूस की फौज यूक्रेन के और करीब तैनात कर दी गई है। सोशल मीडिया में ऐसे कई वीडियो हैं जिसमें रूस की फौज की मूवमेंट साफ दिखाई दे रही है और ये सारे वीडियो लोगों ने लिए अपने घरों से। ये आप सड़क देख सकते हैं, बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर दूर है। यानी कुछ ही जगह आर्टिलरी वापस हुई है, जो बची फौज है वो सीमा के पास की गई है। जानकार कहते हैं कि रूस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करना चाहता है, यही कारण है उसने अपने टैंक्स आर्टिलरी यूनिट्स को यूक्रेन की सीमा के पास खड़ा कर दिया है। रूस को यूक्रेन के मसले पर अमेरिका से आश्वासन चाहिए कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा और वहां अमेरिका की फौज कभी तैनात नहीं होगी। दबाव बनाने के लिए रूस ने ब्लैक सी में अपनी पनडुब्बियां भी रवाना की हैं। लोगों ने उसे अपनी आंखों से देखा है इस्तांबुल से गुजरते हुए। पश्चिम यूरोप के नेता रूस से लगातार बातचीत कर रहे हैं, पर वहीं कुछ जानकार कहते हैं कि रूस ने अपनी बात तो मनवा ली और अमेरिका की हैसियत को पूर्व यूरोप में कम करने में कामयाब भी रहा, लेकिन उसके इन कदमों से नेटो में जान फूंक गई है, यानी नेटो फिर से जिंदा हो गया है। वहीं रूस भी समझता है कि युद्ध होने पर उसको बड़ी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी और वो दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा। अमेरिका ने कीव में अपने दूतावास को खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, क्योंकि अभी भी अमेरिका को लगता है बात नहीं बनी तो रूस यूक्रेन पे कभी भी हमला बोल सकता है और किसी भी बहाने से। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कहा है कि पूरी दुनिया कह रही है कि 16 फरवरी को हम पर हमला होने वाला है, लेकिन हम 16 फरवरी को एकता दिवस मनाएंगे। इस दिन हम देश पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और नेशनल एंथम गाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि वो लोग हमें डराना चाहते हैं,
लेकिन हम नहीं डरेंगे। तो यानी बातचीत भी हो रही है, तैनाती भी हो रही है, संकेत अच्छे भी हैं, बात बन भी सकती है, बात बिगड़ भी सकती है। कहने का मतलब है अभी भी एक विंडो खुली है जहां रूस ऐसा हो सकता है कि हमला यूक्रेन पे ना करे और बात से इस पूरे मसले का हल निकल जाए। तो सियासत की बात में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें TV9 Digital।